उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। हरियाणा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। उधर बंगाल में आज ममता बनर्जी पर्चा भरने वाली हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो ये तीन बड़ी तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके की राजनीतिक हलचल इस समय। और बीजेपी के नेता रमन सिंह इस समय कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। सर, आखिरी सवाल, उत्तराखंड के साथ ही सपोर्ट देवरा को 15 साल आप वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, आप जब यहाँ नेतृत्व उसको चयन करने की बारी आई तो भावनात्मक श्रद्धा, क्योंकि अटल जी ने आप पर भरोसा करके आपको भेजा था और सबसे लंबा ये मुख्यमंत्री के तौर पर आपने रिकॉर्ड बनाया कार्यकाल। नहीं, छत्तीसगढ़ में 15 साल अवसर मिला और यहाँ आप लोगों से मिलने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ पर्यवेक्षक डॉक्टर रमन सिंह जी थे और उनका कहना है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं। तो हमारे सहयोगी चैनल गंगा के रिपोर्टर ने रमन सिंह जी से बात की और उनका यही कहना है कि मुझे पार्टी की तरफ से यहाँ भेजा गया और मैंने अपना काम किया। तीन राज्यों में सियासी हलचल की बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड में तीरथ की ताजपोशी। उत्तराखंड में आज बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह नया मुख्यमंत्री चुन लिया। गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज शाम 4 बजे तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री चुना गया। तीरथ सिंह के विधायक दल का नेता चुने जाने पर उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। तो दो तस्वीरें आपके सामने, उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिला त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत। तो कार्यकर्ता जो हैं, समर्थक जो हैं, जश्न का माहौल। पर्यवेक्षक रमन सिंह भी वहां पर उस समय मौजूद थे। तो दो तस्वीरें, तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री होंगे। छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ, कल्पना नहीं की थी कभी मैंने कि इस तरह का यहां तक होगा वो उनके। और आज मान्य यहां पे छत्तीसगढ़ अमर सिंह ने किया है और मेरा है कि ये जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। 4 साल मान्य मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं इस प्रदेश के लिए उसको आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रधानमंत्री जी जो ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर उसको लेकर के चौमुखी विकास के। मैंने कहा कभी कल्पना नहीं की थी और इस प्रकार का मौका मुझे मिला। मेरे बड़े नेतृत्व ने मुझे मौका दिया, आशीर्वाद दिया है, निश्चित है सबको मिलकर के लेके चलने काम करेंगे। तो यही बात पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा और आज तीरथ सिंह रावत भी सेम बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी था। अब तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री चुने जाने पर उन्होंने खुशी जताई है। करने के लिए है हमारे साथ बात करेंगे रमेश पोखरियाल निशंक साहब। निशंक साहब, तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत अच्छी चॉइस है। आपको लगता है कि नमस्कार बचे हुए एक साल में कुछ कमाल कर पाएंगे? निश्चित हम लोग 2000, मैं समझता हूं कि 2022 हम हर हालत में भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। तीरथ सिंह रावत जी के लिए क्या कहेंगे निशंक जी? अच्छा कार्यकर्ता है वो, हमेशा से निष्ठा से तीरथ ने काम किया है। मुझे भरोसा है कि वो लगातार उस निष्ठा के साथ आगे काम भी करेंगे। तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से सांसद हैं और संसद सत्र चलने की वजह से वो आजकल दिल्ली में ही थे। आज सुबह ही वो दिल्ली से देहरादून रवाना हुए। हमारे सहयोगी रविकांत ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। हम इस समय तीरथ सिंह रावत के दिल्ली स्थित आवास पर हैं। ये दिल्ली के विशंभर दत्त मार्ग पर कावेरी में ये उनका घर है। फिलहाल घर में कोई नहीं है, सारे लोग देहरादून में हैं और यहाँ पर कुछ लोग आए जिन्होंने फूल भी दिए और यहाँ उनके जो सहायक हैं उन्होंने फूल रिसीव किया, लेकिन कोई यहाँ पर है नहीं। आप देख सकते हैं तीरथ सिंह रावत का ये घर है और तीरथ सिंह रावत चूंकि उनको पूरी हलचल के दौरान वो देहरादून में थे और कहीं ना कहीं उनको ये मिठाई भी हमें दी जा रही है, हम मिठाई भी खाएंगे। ये बताइए कि कितनी खुशी है आप लोगों को?
सर बहुत खुशी है हमें, बहुत खुशी है कि अभी पता चला हमें जैसे ही, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सबको भी बधाई। कब आपको पता लगा, आपको कब पता लगा? सर अभी पता चल रहा है न्यूज़ के थ्रू ही, अभी लोग आना है जाना हुए हैं जब ही पता चला। कब तीरथ सिंह रावत जी यहाँ से गए? सर सुबह ही निकले थे, बुलाया था उनको कि मीटिंग में है, बाकी उसकी बात तो सपरिवार निकले जी? नहीं सर वही परिवार वहीं था सर, परिवार पहले से वहीं पे था। आप देख रहे हैं यहाँ पर तीरथ सिंह रावत की बहुत सारा जो सम्मान है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तीरथ सिंह रावत रात में यहीं थे, सुबह अचानक से उनको बुलाया गया और वो देहरादून के लिए रवाना हुए। यहाँ पर जो उनके सहायक हैं वो मिठाई भी खिला रहे हैं जो भी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि बेहद खुश हैं यहाँ पर उनके सहायक और जो स्टाफ है। लेकिन जो तीरथ सिंह रावत का मुख्यमंत्री के रूप में नाम आया, एक आश्चर्यजनक ढंग से उनके जो सहायक हैं, घर में लोग हैं, वो भी ले रहे हैं, बेहद खुश हैं। लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, चार नाम पहले से चल रहे थे लेकिन उन चारों नामों से हट करके यहाँ तीरथ सिंह रावत का नाम आगे आया। और हम इस समय उनके घर पर हैं। गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत का नाम फाइनल होने के बाद उनके घर में जो उनका स्टाफ है वो काफ़ी खुश है। स्टाफ से हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हमको सुबह तक ये जानकारी नहीं थी, तीरथ सिंह रावत सुबह अपने दिल्ली के घर से निकले हैं, लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले ही उनके स्टाफ को भी यहाँ पता लगा कि तीरथ सिंह रावत अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं उत्तराखंड के। कैमरामैन राजेश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो विकास, तीरथ सिंह रावत को भी सुबह ही पता चला और उनके स्टाफ को भी सुबह ही पता चला, और बीजेपी आलाकमान विकास इस चीज के लिए जाना जाता है, चाहे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हो, और अब उत्तरांचल में तीरथ सिंह रावत, कोई नाम जो सोचता नहीं है वही मुख्यमंत्री। जी हाँ, देखिए, और मैं आपको छोटी सी कहानी बता देता हूँ। 2017 में जिस विधानसभा कार्यकाल के लिए इनको मुख्यमंत्री चुना गया है, 2017 में चौबटा खाल सीट से इनका टिकट काट दिया गया था, क्योंकि कांग्रेस से आए 17 विधायकों में से सतपाल महाराज को उस सीट से टिकट देना था। तो जहाँ इनका टिकट कट गया था उसी विधानसभा कार्यकाल के लिए अब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो इसलिए सरप्राइजिंग है कि जिस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, विधायक के लिए नहीं उचित समझा गया, उसको अब मुख्यमंत्री बना दिया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास आप, लेकिन तीरथ सिंह रावत के लिए भी चुनौतियां कम नहीं रहेंगी, और आप भी जानते हैं कि अब क्योंकि चुनाव में एक साल बचा है तो बड़ी जिम्मेदारी, कांटों का ताज। बिल्कुल, देखिए कांटों भरा ताज है क्योंकि 2022 में चुनाव होना है जनवरी फरवरी में, और पिछले चार साल के दौरान जो पिछले मुख्यमंत्री थे उनकी परफॉर्मेंस और परसेप्शन को ऐसा नहीं माना गया कि वो चुनाव जिता पाए। ऐसी सूरत में जी विकास, तीरथ सिंह रावत की पत्नी है, वो कुछ कह रही है, उनको सुन लेते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने तीरथ जी में विश्वास व्यक्त किया है और इतना बड़ा निर्णय लेना, जबकि एक साल रह गया है तो कुछ तो खूबियाँ उन्होंने तीरथ जी में देखी होंगी, क्योंकि निर्णय लेने वालों ने भी जो निर्णय लिया है उन्होंने भी बहुत बार सोचा होगा, मूल्यांकन किया होगा, आत्ममंथन किया होगा कि क्या जो हम अपेक्षा कर रहे हैं इस व्यक्ति से, क्या ये धरातल पर वो उन चीज़ों को उतार पाएगा। बहुत बड़ा निर्णय पार्टी ने लिया है, संगठन ने लिया है, उनमें विश्वास जताया है, और मुझे लगता है कि वो उस विश्वास को कायम रखेंगे। और जिस तरीके से उन्हें पूरे उत्तराखंड में वो प्रिय हैं, लोगों के प्रिय हैं, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति उनको कोऑपरेट करेगा। किसी भी भेदभाव को वो नहीं मानते हैं, ना क्षेत्रवाद मानते हैं, ना जातिवाद मानते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि सबको वो समभाव से देखते हैं, जो शायद उन्होंने अपने संगठन से सीखा है। जब वो प्रचारक थे, जब वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्य करते थे, तो ये उनकी बखूबी बहुत बढ़िया गुण हैं, और मुझे लगता है कि वो सामंजस्य बैठा लेते हैं। ये बहुत अच्छा निर्णय पार्टी ने लिया है, और इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सबको, अपने आदरणीय लोगों को। और बहुत खुशी हो रही है कि तीरथ जी को आज बनाया गया है, जबकि 2017 में जब वो चौबट्टा खाल से विधायक थे तो उनका टिकट काट दिया गया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था। और मुझे क्या, मेरी बेटी को, हम लोगों को, तीरथ जी तो कुछ नहीं बोले थे, गंभीर व्यक्तित्व के हैं वो, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी है
कि दो साल बाद ही संगठन ने, पहले तो उनको प्रभारी बना दिया था, राष्ट्रीय सचिव बनाया तुरंत, फिर उनको प्रभारी बनाया तीन स्टेटों का, शायद उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए, और फिर उनको सांसद बनाया, और जनता ने भी बहुत सहयोग दिया है। पूरे भारतवर्ष में वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सेकंड नंबर पर वोट ऑफ परसेंटेज से जीत कर आए, लगभग 3.5 लाख वोटों से वो यहाँ पर पहाड़ पर जीते हैं। उनकी आवाज को आप सुन रहे थे। ABP News आपको रखे आगे।